बाहुबली ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पे जी जी यू नो ये नया सवाल आया है पिछले हफ्ते 10 दिन में जो सवाल पूछ रहे, अंदाज़ा नहीं था कि बाहुबली ये करेगी। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ एज समबडी हुज़ फ्रॉम इंडिया कि एक बोल लीजिए मल्टीलिंगुअल बायलिंगुअल फिल्म ने ये बिजनेस किया। आई थिंक वी एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ प्रोफेशन शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैज़ डन दिस बिजनेस। तो पहले मैं बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा बाहुबली को। अच्छी बात यह है कि इससे मुझे लगता है कि एक विश्वास आ गया है कि लोग थिएटर में आना चाहते पिक्चर देखने के लिए। आप अच्छी पिक्चर बनाओगे तो इट डजेंट मैटर हु इज़ इट, दे विल कम एंड सी द फिल्म, कॉन्टेंट इज किंग। तो आश्वासन यही मिलता है कि चलो अच्छा काम करते जाओ, कहीं ना कहीं लोग आते जाएंगे। बिकॉज ये तो त्यौहार बन चुका है, बाहुबलिया पिक्चर नहीं रही, इट्स एन इवेंट, इट्स अ नाउ डिस्कशन होगी बिफोर बाहुबली एंड आफ्टर बाहुबली। बाहुबली के पहले फिल्मों को एक नज़रिए से देखा जाता था अब। और मैं ये मानता हूँ हाफ गर्लफ्रेंड अगर फिल्म अच्छी हुई ना सर तो अपनी जगह खुद बना लेगी। अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं खुद जगह बना लेगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस वॉन्ट्स टू सी गुड कॉन्टेंट। अगर आप देखें इस छः महीने हो गए मई के महीने में ज़्यादा हिंदी पिक्चरें आई भी नहीं, एक्चुअली कम आई हैं पिछले 6 महीने में और स्पेशली लास्ट 2 महीने में। तो कहीं ना कहीं जो क्विंटेसेंशियल हिंदी मसाला सिनेमा इन्जॉय करते हैं, जो रोमांस इन्जॉय करते हैं, जो इंटेंस लव स्टोरीज इन्जॉय करते हैं, जो मोहित सूरी का म्यूजिक इन्जॉय करते हैं उनकी पिक्चर इन्जॉय करते हैं, श्रद्धा के फैंस, चेतन के फैंस, जो मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि अगर दे ऑल कम टू द थिएटर टू वॉच द फिल्म इन एक्साइटमेंट देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर लोग नहीं देखने आए तो वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं हमारा ट्रेलर या हमारा म्यूजिक या हमारा कॉन्टेंट वर्क नहीं कर रहा, या अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है तो आजकल आप देख लेते हैं कि हर रोज़ पिक्चर बेटर 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 करते जाती है। सो आई वुड नॉट लाइक टू पिन पॉइंट कि प्रेशर बाहुबली की वजह से, द प्रेशर शुड बी ऑन योर फिल्म एज इट इज़ कि आप अच्छी पिक्चर दोगे सो ऑटोमेटिकली पीपल हैव द ऑप्शन ऑफ कमिंग टू सी द फिल्म। सो आई एम होपिंग एंड आई डू बिलीव इवेंचुअली अगर आपकी पिक्चर अच्छी होती है ऑडियंस मैनेजेस टू सी इट। टुडे हाउ मेनी टाइम्स वी सीन अ फिल्म मे बी इज़ नॉट ऑन द फर्स्ट शो बट सेकेंड शो पे वर्ड ऑफ माउथ होता है, थर्ड शो पे होता है। सो हाफ गर्लफ्रेंड फ्रॉम व्हाट आई हैव इंटरेक्टेड विद ऑल ऑफ यू ऑल, अभी सिटीज ट्रैवल किए वगैरह वगैरह, जो सोशल मीडिया पे फीडबैक है, जिस तरह म्यूजिक ग्रो हो रहा है, द बुक इज ऑलरेडी बिन अप्रिशिएटेड फॉर सो मेनी इयर्स, देर आर नेम्स इन्वॉल्व दैट पीपल कंसिडर क्वालिटी नेम्स। सो आई थिंक ऑल दैट कमिंग टुगेदर आई हैव अ बिलीफ दैट द फिल्म विल बी अप्रिशिएटेड एंड पीपल विल स्टिल गो एंड सी आर फिल्म एंड आई होप दे सी आर फिल्म एंड बाहुबली एट द सेम टाइम। आई थिंक पीपल वॉन्ट टू बी एंटरटेन देर इन आर कंट्री, देर आर वेरी फ्यू फॉर्म्स ऑफ बिंग एंटरटेन, फिल्म्स इज अ प्राइमरी सोर्स एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हाफ गर्लफ्रेंड आके लोग फुल टिकट देके सिनेमा घर में आके देखे पिक्चर। जी चलिए, थैंक यू।